ये तमाम हकायक भुला देना जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो कातिबे वही थे वो ये थे वो ये थे वो बड़े सोच समझ करके ये बातें करें क्योंकि सबसे पहले जो बात आती है ना वो आती है मौला अली की ताजीम की क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को एक निशानी बनाया है अमीर मुआविया के जो शहदाई हैं वो उभर उभर के सामने आ रहे हैं इस दौर में बड़ी तारीफ़ें करते हैं अमीर मुआविया की और बड़े गीत गाते हैं अमीर मुआविया के लेकिन किताबों में लिखा हुआ है तारीख़ इस्लाम की कि अमीर मुआविया जुमे के ख़ुतबे में डंडे के ज़ोर पर ख़तीबों को कहता था जुमे के ख़ुतबे में मौला अली को गालियां दो जिस शख्सियत को अल्लाह के रसूल सल्लाम ने उम्मत का मौला बनाया अमीर माविया जुमे की नमाज़ में मस्जिद में मम्बर रसूल पर बैठ के मौला अली को गालियां दिलवा रहा है उसकी तारीफ़ कैसे की जा सकती है तो हमारे नज़दीक जो है वो मैार ये है अब चूंकि अमीर मुआविया का जो मामला है अहादीस की रोशनी में पता चलता है कि अमीर मुआविया की जमात जिसने मौला अली से जंग की अहादीस की रोशनी में बाग़ियों की जमात थी अम्मार यासिर एक सहाबी थे वो अमीर माविया की जमात में थे तो उसको मौला अली ने याद दिलाया तुम्हें याद है हुजूर ने फरमाया था कि बाग़ियों की जमात कत्ल करेगी तुझे तो सही सही बता यासिर क्या मैं बागी हूं मौलाली ने कहा कह नहीं वो भाग करके मौलाली के लश्कर में आ गया और फिर उसको अमीर माविया की जमात ने कत्ल किया आमाल की बात मत करो ये मत कहो कि वो कातिब वही थे या उनके अमाल बड़े अच्छे थे वो ऐसे थे वो वैसे थे ये बातें करके अपने लिए जहन्नम का रास्ता हमवार ना करो ये बात जहन में रखो कि जो मौला अली को गालियां देता है अहले बैत का गुस्ताख है क्या उसका कोई अमल अल्लाह की नजर में मकबूल हो सकता है जो मौला अली को गालियां दिलवाता हो अब देखिए आप अहल सुन्नत जमात का ये अकीदा है कि चार खलीफा जो गुजरे हैं अवलिन हज़रत के सद्दीक रजी अल्लाह तहो उमर बिन खत्ताब हज़रत हज़रतमान गनी रजी अल्लाह तह और मौला अली ये चार खलीफा खुलफाए राशिदीन हैं उसके बाद छ महीने इमाम हसन खलीफा रहे कितना अर्सा छ महीने इमाम हसन खलीफा रहे मेरा अकीदा यह है कि हजरत इमाम हसन अलसलाम भी खुल्फा राशिदीन में शामिल होते हैं लेकिन इमाम हसन के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई उम्मत दो टुकड़ों में बट गई है तो मैं उम्मत के वसीतर मफाद की खातिर के उम्मत में जो है ये ग्रोह बंदी ना हो चंद चीजें ऐसी हैं कि अगर तुम मुझे उसकी तसल्ली करा दो कर लो तो मैं सबक दोष हो जाऊंगा इन जिम्मेदारियों से और तुम खलीफा बन जाना कि वो क्या कि तुम अपनी मर्जी से किसी को खलीफा मुंतब नहीं कर सकते उम्मत से पूछना है कि वो किसको खलीफा बनाना चाहते हैं लोगों की राय लेनी है पुराने मजीद में भी आया कि आपस में मशवरे से करो तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इमाम हसन जो है सबक दोष हो गए वो बन गए और उन्होंने क्या किया फिर जो पैक्ट किया था उस पैक्ट के खिलाफ हो गए और अपनी जिंदगी में ही मरने से दस साल पहले ही अपने बेटे यजीद के लिए लोगों से तलवार के ज़ोर पर बैत ले ली ये मेरा वली है दे बैत करो क्या कुरान मजीद की मुताबिकत में बनाया था उन्होंने अपने बेटे को नहीं ना तो फिर ऐसे आदमी का जो है तारीफें करना ये तमाम हकायक भुला देना जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो कातिब वही थे वो ये थे वो ये थे वो बड़े सोच समझ करके ये बातें करें क्योंकि सबसे पहले जो बात आती है ना वो आती है मौला अली की ताजीम की क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को एक निशानी बनाया है समझे आप मोमिन मौला अली का नाम सुन करके खुश होता है और मौला अली का नाम सुन के अगर आपके माथे पर बल पड़ जाए तो उसका मतलब है कि आप मुनाफिक हैं उनका नाम सुनकर बल पड़ जाए तो आप मुनाफिक हैं रसूलुल्लाह की नजर में और अगर आप गाली दें मौला अली को फिर क्या होंगे आप कोई शर्म नहीं आती है यार बेगैरती की इंतहा होती है तुम कौन सी उम्मत के लोग हो यार जब तुमको बताया जाता है कि वो मौला अली को गालियां दे रहे हैं फिर तुम कहते हो नहीं जी वो तो कातिब वही भी थे अरे यार ये सारे अमाल जो है अल्लाह मुंह पर दे मारेगा तुम्हारे जिसने मौला अली की गुस्ताखी की वो तो जहनमी है कातिबे वही हो या कुछ और हो मौला अली की गुस्ताखी जो है वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है गॉड